से पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन। हरियाणा हिमाचल में आपके साथ मैं हुरीना गौरव। शुरुआत हरियाणा की खबर से। पंजाब के बाद अब हरियाणा के नौजवान भी नशे के शिकार होते जा रहे हैं और हरियाणा सरकार इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम भी उठाने लगी है। मुख्यमंत्री ने खुद माना है कि हरियाणा के जो इलाके पंजाब बॉर्डर से सटे हैं वहां के नौजवान नशे के आदि होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कही ये बात कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये इशारा करती है कि हरियाणा में नशा पंजाब के जरिए आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि पंजाब से सटे इलाकों में नशा बढ़ गया है। सरकार के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभाग भी इसकी रोकथाम की कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर किसी भी राज्य की सरकार को दोषी नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पंजाब हरियाणा की सरकारें जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए नशे को खत्म करने के लिए दोनों सरकारों को मिलकर काम करना होगा। चिंतित हैं इस बात से कि पंजाब के बॉर्डर के साथ साथ हमारे एरियाज में भी कुछ इस प्रकार का ड्रग एडिक्शन का काम नौजवानों ने शुरू किया। इसकी हमारी चिंता, हम इसको दूर करने के लिए हर प्रकार से लगे। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा सामाजिक कल्याण विभाग, ये सब इसमें लगे हैं और निश्चित रूप से हम इस पर काबू पा लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये एक जिसको क्रॉस बॉर्डर पंजाब की ओर से आने वाली एक ऐसी चीज है जिसको हमको मिलकर के रोकना चाहिए। पंजाब में भी बात अच्छी नहीं है, हरियाणा में भी अच्छी नहीं है, कहीं के लिए पुलिस की भर्ती चल रही है और भर्ती के अंदर ड्रग एडिक्शन का एक जो प्रोग्राम, यानी जो एक लाभ उठा करके कुछ लोग दौड़ में या शारीरिक अभ्यास में जो उनको लाभ लेने की बात मन में आती है, वो अच्छी बात नहीं है। हमने अपील की है कि इस प्रकार से कोई न करे ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हो। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता पंकज कपाही। पंकज, तो कहीं ना कहीं ये जरूर साफ है जिस तरीके से बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि हरियाणा में भी नशा है और खुद इस बात को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से पंजाब को दोष देते हुए नजर आए। बिल्कुल रीना, दिल्ली में आज मुख्यमंत्री आए हुए थे और जब उनसे नशे को लेकर सवाल पूछा गया, और ये सवाल उस समय पूछा गया जब कुरुक्षेत्र में पुलिस भर्ती के दौरान जो नौजवानों की मौत हो गई थी और उसको लेकर दोनों ही राज्यों में जो सियासत देखने को मिल रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा था, तो इसके मद्देनजर आज मुख्यमंत्री से सवाल पूछा और मुख्यमंत्री ने माना कि प्रदेश में लगातार जो नशा है वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ सीधे तौर पर नहीं लेकिन इशारों ही इशारों में पंजाब को जिम्मेदार जरूर ठहराया। उनका साफ तौर पर कहना था कि पंजाब की तरफ से नशा आ रहा है और पंजाब के साथ जो जगह लगती है वहां पर नशे की सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और साफ तौर पर उनका कहना था कि दोनों राज्यों की सरकारों को मिलकर जो है नशा रोकना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार कोई भी सरकार नहीं है। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि हमारे तमाम जो विभाग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो नौजवानों में नशे की भावना लगातार बढ़ती जा रही है इसको कम किया जा सके, इसको रोका जा सके। लेकिन ये एक बड़ा बयान है कि मुख्यमंत्री ने माना कि हरियाणा में जो है नशे का जो कारोबार है वो बढ़ता जा रहा है। और ये भी एक बात अहम मानी जा रही है क्योंकि पंजाब में जब भी नशे की बात सामने आती थी तो उस समय पंजाब सरकार सीधे तौर पर कहती थी कि पाकिस्तान से पंजाब लगता है, इसी वजह से पंजाब को नशे का सामना करना पड़ रहा है। और इस बार हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हरियाणा का कुछ हिस्सा जो पंजाब के साथ लगता है, इस वजह से जो है नशा हरियाणा में लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। जी रीना, पंकज, मुख्यमंत्री ये जरूर कहते हुए नजर आए कि दोनों प्रदेशों की सरकारों को मिलकर काम करना होगा, लेकिन क्या उन्होंने ये जानकारी दी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हाँ हरियाणा में भी नशे की समस्या है, पंजाब से लगते हुए जगहों में है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र का भी उन्होंने जिक्र किया, ऐसे में क्या उन्होंने ये जानकारी दी कि इस ओर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना था कि इसके बारे में उनको जानकारी है और जो स्वास्थ्य विभाग हैं और कुछ सामाजिक कल्याण एनजीओ हैं वो इस पर काम कर रहे हैं ताकि जो नौजवानों में नशे की आदत है उसको कम किया जा सके। लेकिन पंजाब सरकार के साथ किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि दोनों सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, ये साफ नहीं हुआ कि पंजाब सरकार से कब बात करेंगे, क्योंकि ये साफ हो गया है मुख्यमंत्री का कहना है कि पंजाब के साथ कुछ जगह लगती है वहां पर नशा है, तो इसको रोकथाम पाने के लिए पंजाब सरकार के साथ किस तरह से काम करना होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पंजाब के डिप्टी सीएम भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पंजाब में नशे की बात पूरी दुनिया कर रही है लेकिन हरियाणा में जो है वो नशा सामने आ रहा है, और पहली बार हुआ है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बात कबूली है कि हरियाणा में भी जो नशा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर से खुद मुख्यमंत्री ये मानते हुए नजर आए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों की सरकारों को मिलकर इस ओर कदम बढ़ाना होगा। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए गए 5 गांव को स्मार्ट बनाने की योजना की राष्ट्रपति भवन से शुरुआत की गई। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे राष्ट्रपति भवन में, कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी थी। राष्ट्रपति ने हरियाणा के 5 गांव को गोद लेने का ऐलान किया है, जिसके तहत केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर इन गांवों का विकास करेंगे और इन्हें आदर्श गांव बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया और साथ ही ये भी कहा कि गांव को आदर्श गांव बनाने में पंचायतों की भागीदारी भी जरूरी है। आदर्श गांव के रूप में अडॉप्ट किया है, जिसमें 4 हरियाणा के गाँव है और एक मेवात जिले का गाँव है। तो इन 5 गाँव को केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, हरियाणा के डिपार्टमेंट के माध्यम से एक अच्छे आदर्श गांव के रूप में किस प्रकार से बनाया जाए, ऐसी हमारी सारी योजना उन्होंने वहां बताई अपनी ओर से भी, और हमने उनका धन्यवाद प्रकट किया। और एक प्रकार से हमारे हरियाणा की जितनी व्यवस्थाओं की उन्होंने प्रशंसा की, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रकार के गाँव आदर्श बनने के बाद बाकी गाँव के लिए भी मॉडल बनेंगे, ताकि और गाँव भी उससे प्रेरणा ले सके। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम को राज्य के स्कूलों में 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक शामिल किया जाएगा, जिसकी विधिवत शुरुआत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आगामी 5 जुलाई को की जाएगी। उन्होंने कहा कि गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब से वो सब अच्छी बातों को लिया गया है, जिनमें व्यक्ति निर्माण और संस्कारों को पिरोया गया है। संस्कारों का मामला है और व्यक्ति निर्माण सभी धर्मों का, सभी मतों का एक केंद्र बिंदु रहता है। तो हमने इसमें गीता, इसमें कुरान, इसमें बाइबल, इसमें गुरु ग्रंथ साहब से वो सारी बातें ली हैं जो व्यक्ति निर्माण में हम सहयोगी समझते हैं। ये कक्षा 6 से 12वीं तक ये पढ़ाया जाए। हरियाणा में अब शादी समारोह या फिर अन्य उत्सवों में फायरिंग नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने इस पर रोक लगाते हुए सख्त निर्देश दिए हैं, जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उत्सवों पर फायरिंग पर लगी रोक, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। नियमों का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये एक शादी समारोह की तस्वीरें हैं। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने ही पहुंचा था, दरवाजे पर दूल्हे का स्वागत हो रहा था, लेकिन तभी एक शख्स ने खुशी खुशी में गोली चला दी और जश्न मातम में तब्दील हो गया। लेकिन अब हरियाणा में ऐसा नहीं होगा। जी हां, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शादी समारोह, सार्वजनिक स्थलों और अन्य उत्सवों में फायरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा पुलिस मुख्यालय की तरफ से और सभी ज़िला प्रशासन की तरफ से ये कड़ा कदम उठाया गया है कि किसी भी प्रकार की फायरिंग, अगर कोई अपने लाइसेंसी हथियार से किसी सोशल सामाजिक फंक्शन जैसे शादी इत्यादि पे करते हैं, तो वो हर प्रकार से बैन है, प्रतिबंधित है। तो साफ है कि राज्य सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। अगर किसी ने भी कानून तोड़ा तो अब उसकी खैर नहीं। रोहतक SP की माने तो कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने बैंकेट हॉल और होटल मालिकों के लिए भी कुछ हिदायतें जारी की हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा कुछ करता है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी करी जाएगी। इसके चलते धारा 144 CRPC के तहत भी आदेश निकाले गए हैं। बैंकेट हॉल के मालिक हैं और इस प्रकार के मैरिज पैलेस जो लोग चलाते हैं, उनको भी आदेश दिए गए हैं कि वो बुकिंग से पहले ये अंडरटेकिंग हर एक ग्राहक से ले कि वो किसी प्रकार की इस ऐसी घटना को अंजाम नहीं देंगे। वहीं हरियाणा सरकार के इस फैसले का बैंकेट हॉल और होटल मालिकों ने भी स्वागत किया है। सर, ये डिसीजन अच्छा है, क्योंकि इससे ये है कि जो मान लो खुशी के मौके पे बाय चांस फायरिंग हो जाती है, किसी को लग सकती है, तो उससे बचा जा सकता है। हरियाणा सरकार का ये फैसला काबिले तारीफ है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है लोग अपनी शानो शौकत के लिए शादी समारोह में फायरिंग करते हैं और दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं।
जश्न के दौरान की गई फायरिंग में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि हरियाणा सरकार का ये फैसला इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने में कामयाब होगा। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। बात करते हैं मॉनसून की। मॉनसून ने उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। चंडीगढ़ में बारिश के बाद मौसम काफी सुहाना हो गया है, तो वहीं पंजाब में भी बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। छह तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और राहत की ये तस्वीरें हैं लगभग सभी जगह से। चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, जींद, हिसार, शिमला, जहां पर बारिश के फुहारों ने मौसम में बदलाव किया है और तापमान में काफी गिरावट आई है और लोग भी काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बीते 24 घंटों से जमकर बारिश भी हो रही है। सोलन, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के जो खास करके जो मिड हिल्स और हाई हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की उम्मीद है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर आते हैं। इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी बारिश होने की उम्मीद है। जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति, वहाँ पर भी जो बारिश है इस बार होने की उम्मीद है। मॉडरेट रेदर हैवी बारिश वहाँ पर भी हो सकती है। चंडीगढ़ की बात करें तो बारिश के बाद यहां का मौसम काफी सुहाना हो गया है, जिसके बाद विश्व प्रसिद्ध सुखना लेक पर सैलानियों का जमावड़ा लगने लगा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी संवाददाता नितिका माहेश्वरी, जो सुखना लेक में ही मौजूद हैं। नितिका, किस तरीके से वहां पर रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि अच्छी खासी बारिश हुई है, मौसम सुहाना हुआ है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग सुखना का ले जो है सुखना की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे होंगे वहां पर आनंद लेने के लिए। बिल्कुल रीना, हम आपको सुखना लेक का नजारा दिखाना चाहेंगे। मौसम अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सुहावना हुआ है और लोगों का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, चाहे वो चंडीगढ़ के निवासी हो या फिर सैलानी हो, यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो वोटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि जब सुबह बारिश हो रही थी वोटिंग बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर से शुरू करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग वोटिंग करने के लिए भी आप देखेंगे कितना ज्यादा उत्साह है लोगों में। और ज्यादातर यहाँ पे लोगों को देखेंगे तो सेल्फीज ली जा रही है, फोटो खिंचवाई जा रही है। और इसके साथ ही अगर भीड़ देखेंगे रीना तो सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। कैसा लग रहा है, कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी से राहत मिली है तो मौसम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सुखना लेक पे अलग ही मजा आता है? हाँ जी, बहुत वधिया आंदा जी। बहुत गर्मी ही कई दिनों दी, अज बहुत मन ठंड पै गई लेक ते आए। बिल्कुल, आपसे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुहावना मौसम हो गया आखिरकार? हाँ, मौसम बहुत सुहावना हो गया। पंजाब फिरोजपुर से आए हैं, यहाँ का माहौल जो बड़ा अच्छा बना हुआ है और गर्मी से काफी राहत मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, कहाँ से आए आप? लोकल, चंडीगढ़ से। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी मौसम, आखिरकार गर्मी खत्म हो गई है, राहत मिली है? बहुत राहत। मैं अभी सुबह से तीसरी बार आ रहा हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, स्पेशली बच्चों को लेके आया हूँ दोबारा घुमाने के लिए। बिल्कुल तो। अच्छा, बारिश में भीगने का मन कर रहा है मॉनसून के दस्तक देने? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। गर्मी राजपुरा से। किस तरह से राहत मिल रही है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, थोड़ी देर पहले सेल्फी ले रही थी, जानते किस तरह से एक्साइटेड हो आप इस मौसम को लेकर? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस मौसम को लेकर, यहाँ पे सेल्फी लेने का बहुत मजा आ रहा है मेरे को। अच्छा, गर्मी से राहत मिल? यस ऑफ कोर्स, सभी यहाँ पर आए हैं हम, पानी भी है, बहुत मजा आता है यहाँ पर सुखना लेक पर। कहाँ से आए आप? हम लुधियाने से आए हैं। और कितना मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे रीना यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग, जान लेते हैं आप कहाँ से आए हैं? बटाला से। किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं यहाँ का? बहुत ज्यादा, वेरी मच एक्साइटेड, बहुत मजा आ रहा है। मानसून आने से लग रहा है कि गर्मी से बहुत ज्यादा राहत मिल? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। पुलिस
खाली बाहों से स्वागत कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो आप देखेंगे यहाँ पे रीना किस तरह से लोग देखेंगे क्या नजारा है सुखना लेक का। जो भी शख्स यहाँ पे आया है वो सुखना लेक की तरफ रुक कर रहा है और भीड़ यहाँ पे देखेंगे कि काफी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं मौसम का आनंद लेने के लिए। सुबह बारिश हुई और उसके बाद मौसम सुहावना हो गया और अब फिर से बारिश होने के आसार लग रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कहाँ से आए और किस तरह से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। जलंधर से आए हैं, बहुत एंजॉय हो रहा है, मौसम बहुत ही लाजवाब है। जी जी, तो जलंधर गर्मी थी या यहाँ पे ज्यादा? ऑल ओवर पंजाब में बारिश हो रही है बट यहाँ पर रौनक थोड़ी ज्यादा है तो मजा आ रहा है, एंजॉय। जी मतलब सुखना लेक पे जो रौनक है लोगों को काफी अच्छी लग रही है, इस वजह से ज्यादातर लोग चाहे वो पंजाब से हरियाणा से है वो चंडीगढ़ की ओर रुख कर रहे हैं। रीना जी बिल्कुल नितिका, और आप भी सुखना लेक में इस अच्छे मौसम का मजा लीजिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुखना लेक में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, पंजाब से दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं उनका ये भी कहना है कि वो एक दिन में दो या तीन बार भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि मौसम इतना सुहाना हो गया है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।